फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम से आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगने लगती है, फिर एकदम से आप सैड हो जाते हैं, फिर एकदम से आप एंग्री हो जाते हैं। कई बार आप खुद अपने इमोशंस के बीच में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं। डेली बेसिस पे आपको इमोशनल बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ों से फाइट करना पड़ता है, इसकी वजह से आपके बच्चे पे भी इसका अच्छा असर नहीं पड़ता और आपको खुद को मेंटली फिजिकली प्रॉब्लम होती है, वो अलग। तो आज मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ कि आखिर आपके जो मूड स्विंग्स हैं इतने ज़्यादा क्यों जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंज होते हैं, क्यों इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके ये जो मूड स्विंग्स हैं वो कंट्रोल रहें, आप अपने इमोशंस पे ज़्यादा कंट्रोल रख सकें और आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी और हेल्दी रहे। इसी बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आपको आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि महिलाएं स्ट्रगल करती हैं लेकिन इस चीज़ के निवारण के लिए ज़्यादा वो कुछ प्रयास नहीं करती। तो एक बार इसको ज़रूर सुनिएगा, इस वीडियो को आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन अगर अभी तक आपने प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं और आप हमारे दूसरे चैनल मॉम किड एक्सप्रेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे हम बेबी केयर की रिगार्डिंग वीडियोस जो है वो अपडेट करते रहते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मूड स्विंग्स इन प्रेगनेंसी। ये तो हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी फिजिकल बॉडी में, मेंटल पीस में या फिर मेंटल हेल्थ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्ट्रॉन एक हार्मोन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है या फ्लक्चुएट होता है। प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो आपके ब्रेन के उस हिस्से पे असर डालता है जो कि आपके मूड्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही आपके मूड में बहुत ज़्यादा बदलाव जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, आपको वॉमिटिंग, चक्कर और सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये भी एक कारण होता है आपके मूड स्विंग्स का। जब भी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्दी फील नहीं करता है, उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है फिजिकली, तो ये होना स्वाभाविक है कि उसका मूड जो है उसका परिवर्तन काफ़ी जल्दी जल्दी होगा, उसको मूड पे इतना कंट्रोल नहीं रहेगा। क्योंकि आपको ये सारी परेशानियां हो रही हैं, मॉर्निंग सिकनेस की एंड ऑल, इसकी वजह से आपके शरीर को बहुत जल्दी थकान हो जाती है, आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है और आपको इस थकान की वजह से भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा या फिर इरिटेशन महसूस हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि इतने सारे चेंजेस होते हैं, आपको नींद प्रॉपर नहीं आती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके जो मूड्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल में क्यों नहीं रहते हैं। और जब आपके शरीर बहुत जल्दी थक जाता है, आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं और आपको काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको एंग्जाइटी भी जो है वो ज़्यादा होने लगती है। और जब आपके एक बार मूड स्विंग्स जो है वो होना शुरू होते हैं और आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आप पे ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं, तो आपको एंग्जाइटी होती है, आपको परेशानी होती है, इमोशनली आप काफ़ी वीक महसूस करते हैं और उसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स होते हैं एंड अगेन आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। तो ये एक लूप बन जाता है जिससे निकलना काफ़ी दिक्कत भरा होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि आपके मूड स्विंग्स जो है वो कंट्रोल रहें और आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दीली और हैप्पीली इंजॉय कर सके। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द निवारण कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि अपनी कंफर्टेबिलिटी का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता कि प्रेगनेंसी से पहले आप जिस लेवल पे या जिस एफर्ट पे या जिस इंटेंसिटी से आप काम कर रहे थे, घर के काम हुआ या नॉर्मल आप वर्क कर रहे थे, नॉर्मल कुछ भी काम कर रहे थे, वैसा आप प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद भी कंटिन्यू रख सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी प्रेगनेंसी की वजह से आपकी बॉडी पर ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, तो आपके जो काम करने की इंटेंसिटी है या टाइम फ्रेम है उसको आपको थोड़ा कम करना होगा। जब भी आपको कि अब आपको थकान महसूस हो रही है, देन आपको वो काम करके छोड़ देना चाहिए एंड आपको पहले रेस्ट करना चाहिए। लाइक 10-15 मिनट्स आप पहले आराम करिए, तसल्ली से गाने सुनिए, रिलैक्स करिए और फिर वापस से आप उस काम को कर सकते हैं। अगर आप किसी की हेल्प ले सकें इस दौरान तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इस स्ट्रेस से निकलने में, या ये जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो वो थकान आपको नहीं होगी। तो जो मूड स्विंग्स का एक काफ़ी मेजर एक ये
कारण होता है ये जो थकान होना। तो आप अगर कुछ भी अपनी लाइफस्टाइल में इस तरह से चेंजेस करें जिससे कि आपको इतनी ज़्यादा थकान ना हो, इतनी फिजिकली आप पे स्ट्रेस ना पड़े, तो ये आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसके अलावा मैंने बोला कि नींद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड एवरीथिंग। आपको नींद प्रॉपर लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नींद की अगर हम बात करें तो आप कहोगे कि सोना तो हम चाहते हैं, नींद नहीं आती है कई कारणों से, या तो हम कुछ सोचते रहते हैं, या तो हम कहें कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, कभी एसिडिटी, कभी हार्ट बर्न, कभी पैरों में दर्द या जलन वगैरह, ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो हम कैसे सोएं। दोस्तों इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है जो कि आप जाके डिटेल में देखें और आप अपनी उस परेशानी को कम करेंगे तो आपको नींद प्रॉपर अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। और जब एक बार आपको नींद अच्छे से आना शुरू होगा तो आपकी जो साइकिल है वो प्रॉपर अच्छे से रहेगी, आपका जो मूड है वो अच्छे से रहेगा, आपका जो पूरा डेली रूटीन है वो काफ़ी आपका ईजीली जाने वाला है। तो नींद का आपको ध्यान रखना है। सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से लेडीज़ को नींद नहीं आती है, उन सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो मेक श्योर टू चेक देम आउट। और अगर आप अपनी नींद का ध्यान रखेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ अपने आप ही बेटर रहने लगेगा। इसके अलावा मुझे थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं आपके प्रेगनेंसी के शुरू होते ही, लाइक फॉलिक एसिड का दिया जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद में आयरन का दिया जाता है, या फिर अगर आपको किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी है तो उसका भी दिया जाता है, तो वो सप्लीमेंट्स आपको कॉन्टीन्यूसली लेना है। क्योंकि जब आप ये सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपकी बॉडी किसी भी न्यूट्रिएंट्स पे किसी भी तरह से उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, तो बॉडी ज़्यादा एनर्जाइज्ड महसूस करती है और जल्दी थकान नहीं होती है। तो ये जितने भी सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर आपको देते हैं तो उनको आप प्रॉपर तरीके से लेते रहिए टाइम टू टाइम। आपकी डाइट किस तरीके की है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू मूड स्विंग्स। आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड ले रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्वीट खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पेस्ट्रीज, केक्स, चॉकलेट्स, या बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, तो ये भी आपके मूड स्विंग्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है जिसमें दाल होनी चाहिए, रायता होना चाहिए, जिसमें सैलेड होना चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट होने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स भी जो है वो बहुत हेल्प करते हैं आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने में। इनमें इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके नर्वस सिस्टम को, जो मूड स्विंग्स या इमोशनल वाला पार्ट होता है, उसको बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी डाइट को एक बैलेंस्ड डाइट रखें। बहुत ज़्यादा तला भुना या सॉल्टी या मतलब यू नो जंक फूड आप खाने से अवॉइड करें, आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट लगेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपने घर पे ही रहती हैं, आप बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई वजह नहीं है बाहर जाने की, या फिर आप फिजिकली उतना बेटर फील नहीं कर रहे हैं कि आप बाहर जाएं, तो इसकी वजह से भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती थी जब मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मुझे ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं घर में रहती थी तो आपके थॉट्स जो है वो अनलिमिटेड चलते रहते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप घर में रह रहे के ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप चाह के भी उन थॉट से बाहर नहीं आ पाते। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इस टाइम पे करना कि आप घर से बाहर जाएं, आपका मन नहीं होगा, आई नो आई अंडरस्टैंड दिस टोटली, आपको फिर भी अपने मन को मार के एक बार बाहर जाना है। आप 5 मिनट में बाहर जाते ही आपका इतना मूड जो है वो अच्छा और खुशनुमा हो जाएगा, जो एंग्जाइटी, जो स्ट्रेस, जो टेंशन, जो भी आपको लग रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और बाहर आप आधा घंटे के अराउंड आप रह के आइए, चाहे आप वॉक करें, वॉक करेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हल्का स्ट्रोली ऐसे घूम फिर के आ जाइए कहीं भी, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होने वाला है। फ़ोन वगैरह पे बात करके नो डाउट हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब हम किसी से फ़ोन पे बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब आप बाहर की सराउंडिंग्स में जाते हैं, बाहर के नेचर में जाते हैं, फ्रेश एयर में जाते हैं, ट्रीज़ देखते हैं, बहुत सारे स्ट्रेंज लोगों को देखते हैं, सारे लोगों की एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में काम और सूथ फील होता है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी फाइन, और अब आपका जो दिमाग है वो भी थोड़ा सा बैलेंस और ईजी होने लगता है। हर जाने का ये जो वे है आपके माइंड को, ब्रेन को और मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा
इफेक्टिव है। तो प्लीज़ ट्राई कि आप घर से आधा घंटे के लिए तो दिन में ज़रूर बाहर निकलें, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग में जा सकते हैं, चाहे आप इवनिंग में जा सकते हैं, जब भी आपको कंफर्टेबल हो बाहर जिस वजह से भी जाना है, बस वजह ढूंढनी है, बट जाना ज़रूर है 30 मिनट्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, अपनी मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए आपको एक रूटीन फॉर्म ज़रूर करना चाहिए। आपका एक रूटीन होना चाहिए कि मॉर्निंग में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है, इवनिंग में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। लाइक जैसे कि मॉर्निंग में आपको क्लीनिंग करना है, आपको अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के लिए रेडी होना है, बैग पैक करना है, या फिर जो भी आपके काम होते हैं, जो भी आपका रूटीन है उसको एक डिसाइड कर लीजिए कि ये चीज़ तो मैंने करना ही करना है। ऐसे जब आप सोने जा रहे हैं, सोने जाते वक्त आप अपना स्किन केयर अच्छे से कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट डे हेड वॉश करना है तो उससे एक रात पहले आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिए। अपने बॉडी का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, बाहर की बॉडी का, तो आपकी इंटरनल बॉडी अपने आप ही हैप्पी रहने लगेगी। ये बहुत सारी स्टडीज़ में इस चीज़ को प्रूव किया गया। जब आप अपने आप को पैम्पर करते हैं, जब आप अपने आप को अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर, हेयर केयर, इन टर्म्स ऑफ यू नो सर्टेन रूटीन, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ज़्यादा बेटर रहने लगती है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके मूड स्विंग्स भी कंट्रोल हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रात को सोते जाते वक्त एक ऐसा दिन में, पूरी दिन में आपके साथ में जो भी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, एक कोई थॉट ज़रूर क्रिएट कीजिए जो कि आपको लगता है कि आज ये चीज़ मेरे साथ में बहुत अच्छी हुई। कोई दिन आपका बहुत ख़राब जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल जाता है, बहुत परेशानी रही उस दिन, फिर भी अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी हुई होगी जो कि आपके हित में थी, जो कि आपके साइड में थी, आपके फेवर में थी। उस थॉट को आप जब क्रिएट करके सोएंगे तो रात भर जो है ना वो स्ट्रेस वाला जो दिमाग है आपका वो कंट्रोल रहेगा, और उस एक थॉट की वजह से आपका ब्रेन काफ़ी काम और सूद महसूस करेगा। ये मेरा पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड है, और प्लीज़ ये सारे टिप्स ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे, मुझे काफ़ी दिक्कतें होती थी। मैं इस बात को ओपनली इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए बता रही हूँ जिससे कि और लेडीज़ जिनको भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है वो इस चीज़ को फेस ना करें और इसको और उस चीज़ का उनको सोल्यूशन मिल जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने का अपने डेली लाइफ में। अगर आपको इसके अलावा भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई कि मैं आपको पर्सनली कमेंट में रिप्लाई करूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँच पाएगी और लोगों की भी हेल्प हो पाती है, और हमारे चैनल को भी ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को इस तरह से सपोर्ट करते रहिए। एंड या अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।